हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब मेरे दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने पेंट किया है ग्रीन कलर का सूट, जिसको मैंने कलर कर दिया है। आप देख सकते हैं, बॉटल ग्रीन बहुत डार्क कलर का सूट है। इस पे पहले मैंने वाइट कलर डाला है और उसके बाद मैंने इसे पिंक शेड दिया है। अगर हम डार्क कलर पे कोई कलर करते हैं तो उस पे पहले वाइट बेस करना होता है, उसके बाद हम उस पे और कलर करते हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, आप देख सकते हैं। अब हम इस पे करेंगे ब्लॉक प्रिंट। छोटे छोटे में यहाँ पे जो खाली जगह बची है इस पे ब्लॉक प्रिंट के वीडियो डालूँगी और प्रिंट करके दिखाऊंगी कि कैसे डाला जाता है ब्लॉक प्रिंट। आज मैं फर्स्ट टाइम आपको ब्लॉक प्रिंट करके बता रही हूँ। आप देखिए जी, मैं क्या करती हूँ, ये देखिए, ये मैंने लिया है कलर, पिंक कलर। ये देखिए, ये मैंने पिंक कलर ले लिया है। इसमें मैंने बहुत ही कम बूंदे डाली हैं, 3-4 बूंदे डाली हैं फिक्सर की, जो मैं आपको दिखाती हूँ। फिक्सर, जो मैंने फिक्सर की बूंदे डाली हैं जी, ये देखिए, मैंने एटलस का फिक्सर लिया है। इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है ब्लॉक प्रिंट की। तो आप देखिए हम इसमें कैसे ब्लॉक प्रिंट करते हैं। आपको मैं पहली बार बताऊंगी कि ब्लॉक प्रिंट कैसे किया जाता है जी। देखिए, ये मेरे ब्लॉक्स हैं, बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। ये देखिए, ये ब्लॉक्स, इनको हमने क्या करना होता है, हमने तेल लेकर एक कटोरी या एक प्लेट में तेल लेकर उसको ऐसे डुबोने होते हैं, भिगोने होते हैं। उसको हम यहाँ तक भिगो के रखेंगे। आप एक रात पूरी पड़ा रहने दीजिए इसे, ये फिर सारा ही तेल यहाँ तक आ जाएगा। आगे हम बताएंगे। फिर इसे धूप में सुखा कर हम इसे ब्लॉक प्रिंट के लिए यूज़ करेंगे जी। आगे हम यूज़ करते हैं, मैं दिखाती हूँ हम ब्लॉक प्रिंट कैसे करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, हम सबसे पहले बाइंडर लेंगे। इसे अगर नीचे से कर दिया जाए, ये पेस्ट लेके, बाइंडर पेस्ट, तो बहुत अच्छी लुक आती है। ये देखिए, ये बाइंडर पेस्ट है, ये ऐसा दिखता है बिल्कुल पेस्ट की तरह। इसे अगर हम नीचे कर देंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा और हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी ब्लॉक प्रिंट की। सबसे पहले हम ये लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने पतली वाली स्पंज ली है, जो बहुत ही पतली है। इसको हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे ताकि हमारा रंग ज़्यादा ख़राब ना हो जी। ये देखिए, इस पे हम लेंगे बाइंडर पेस्ट। ये देखिए, इस पे हमने पहले लगा दिया बाइंडर पेस्ट और ये हमारा तैयार है, पिंक कलर बना हुआ, फेविक्रिल का ये पिंक कलर है। और फिर हमने यहाँ पे लिया पिंक कलर। पिंक कलर हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, इसे लेने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। बिल्कुल गीला कर लीजिए। देखिए, हमारा सब तैयार हो चुका है, जिससे हमने ब्लॉक प्रिंट करना है। ये हमारा ब्लॉक है, हम दिखाएंगे कि हम ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करेंगे। ये देखिए, हम ब्लॉक को पहले इसमें रखेंगे। ये देखिए, देखिए हमारा ब्लॉक अच्छे से तैयार है। इसे हम पहले रफ कपड़े में लगाकर देखेंगे। ये देखिए, हमारा ब्लॉक अच्छे से होने के लिए रेडी है। तो हम ब्लॉक को करेंगे, ये देखिए, हम रखेंगे ब्लॉक को यहाँ पे। इसे हम हल्के से दबा देंगे। ये देखिए, हमारा ब्लॉक बहुत अच्छे से
छप चुका है जी। हम दोबारा से फिर करेंगे, लगाएंगे, ये देखिए हल्के से दबाएंगे इसे, ये देखिए बहुत अच्छा। ये देखिए हमारा ब्लॉक प्रिंट अब पूरा हो चुका है, आप इसमें डिज़ाइन देख सकते हैं जी। ये देखिए ऐसे में पहले इस पे हमने फैब्रिक पेंट भी किया एक्रेलिक पेंट से। ये देखिए पहले हमने पेंटिंग की और फिर छोटे छोटे बूटियां डाली हैं हमने ब्लॉक प्रिंट की। ये देखिए ब्लॉक प्रिंट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इससे हमारा अब फुल सूट तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा पूरा सूट अब रेडी हो चुका है, ये देखिए ये हमने ब्लॉक प्रिंट विद फैब्रिक प्रिंट से ये सूट पूरा रेडी हो चुका है।